हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक्सेस में आप एक जब रिलेशनशिप क्रिएट कराते हैं, अब उसमें कई टेबल्स हो सकती हैं जिसमें आप रिलेशनशिप क्रिएट करा रहे हैं, और रिलेशनशिप क्रिएट कराने के बाद आप रिजल्ट का सॉफ्टवेयर या इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ आपको। यहाँ से देखिए, ये एक्सेस ओपन किया है, यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे जाएंगे। जैसे ही ब्लैंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा डेटाबेस आ रहा है। यहाँ पे नाम आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, एक्सटेंशन वगैरह आपने देख ही लिया, .accdb होता है, काफी हेल्पफुल है और एक्सेल से तो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, अब ये इस तरीके का सिनेरियो आया। अब यहाँ पे डेटा तो एंटर हो नहीं सकता, तो यहाँ व्यू पे जाना होगा और डिजाइन व्यू पे जाना होगा। जैसे डिजाइन व्यू पे जाते हैं हम, तो यहाँ पर हम एक एम्प्लॉय की टेबल बना रहे हैं। तो ये हो गया एम्प्लॉय टी, इसे मैंने नाम दे दिया एम्प्लॉय टी। तो ये एम्प्लॉय की टेबल हो जाएगी, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी आएगा, ये प्राइमरी की है। यहाँ पर एक आपको चाबी सी दिख रही होगी, ऊपर दिख रहा है चाबी सा, ये यहाँ पे देखिए, ये जो चाबी सा दिख रहा है इसका मतलब है कि ये प्राइमरी की है। ठीक है, अब मैं इसे ऑटो नंबर ही रखता हूं और यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉय कर देता हूँ, नेम ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, इस तरीके से कर दिया नेम ऑफ एम्प्लॉय, और यहाँ पर एम्प्लॉयज के नेम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहे तो ड्रॉपडाउन भी बना सकते हैं लुकअप विजार्ड पे जाके। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, ड्रॉपडाउन बना लेते हैं। तो यहां से चलेंगे आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट, यहां पर जाकर के अब यहां पर नेम लिखना है, राजेश कुमार एक नाम लिख दिया हमने। ठीक है, यहां पे मनोज लिख देता हूं, यहां पे प्रियंका लिख देता हूं, यहां पे अलग अलग नाम मैं एम्प्लॉयज के डाल रहा हूं। ठीक है, अमीशा लिख देता हूं, सुमित लिख देता हूं, अमित लिख देता हूं, इस तरीके से अलग अलग इंप्लॉयज के नाम यहाँ पे आ गए। ठीक है, और ये कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इंप्लॉयज का नेम आ गया है, देख सकते हैं। ठीक है, अब ये नेम किस तरीके से आएगा यहाँ पे दिख तो रहा नहीं है, तो यहाँ एक ड्रॉपडाउन दिखेगी, यहाँ से आप नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये फायदा है। ठीक है, और यहाँ से जो भी नेम लेंगे वो नेम आता चला जाएगा, तो इस तरीके से हम नेम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अमीश हो गया, अमीशा नहीं, अमीश हो गया, और यहाँ पे सुमित हो गया, और ये हो गया अमित हो गया। तो इस तरीके से कुल मिला के ये बहुत सारे इम्प्लॉयज का नाम हमने इंसर्ट किया है, और इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, और क्लोज करके और दूसरी टेबल बनाएंगे। दूसरी टेबल प्रोडक्ट की होगी, और हम कोई अलग से क्वेरी नहीं बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं 2021 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2021 यूज कर रहा हूँ, इसलिए अलग से क्वेरी बनाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, टेबल है तो यहाँ पे टेबल पे जा करके और यहां से टेबल पे डिजाइन करेंगे हम वापिस से। ठीक है, तो यहां पर इसे नाम दे दिया प्रोडक्ट टी, तो ये हो गया प्रोडक्ट टी। अच्छा ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि रिलेशनशिप क्रिएट कराने के लिए एक फील्ड कॉमन होना जरूरी है। यहां पे नाम मैं चेंज कर देता हूं, नाम एम्प्लॉय होगा, वाई छूट गया एम्प्लॉय, यहां पे वाई देखिए ये हो गया, तो ये हो गया एम्प्लॉय। अब इस तरीके से ये एम्प्लॉय टी हो गया। अब ये प्रोडक्ट वाला टेबल है तो यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट की आईडी। ठीक है, और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी एक कॉमन फील्ड तो हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप की बात है तो एक तो फील्ड कॉमन रखना ही पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे दिया है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हमें देना होगा प्रोडक्ट वाले में। तो यहाँ पे एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी कर देते हैं, और यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पे नंबर रखेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट आएगा, नेम ऑफ प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट, और नेम ऑफ प्रोडक्ट शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा या टेक्स्ट भी आप रख सकते हैं। ठीक है, 2007 में तो टेक्स्ट ही मिलता है। फिर यहाँ पर प्राइस आएगा, आप देखिए कैसे रिलेशनशिप क्रिएट कराते हुए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर करेंसी डेटा टाइप, और यहाँ पर यूनिट करेंगे यूनिट, तो ये यूनिट हो जाएगा, और यूनिट कौन सा डेटा टाइप होगा, ये नंबर रहेगा, और यहाँ से बनाएंगे इसे क्या डबल बनाएंगे, तो डी प्रेस करते ही डबल आ जाएगा। आप यहाँ पर टोटल करेंगे तो देखिए किस तरीके से बिना क्वेरी के काम होगा। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मिलता है कैलकुलेटेड, तो यहाँ पे कोई क्वेरी ही नहीं बनाई हमने, यहाँ पे सीधा सीधा कैलकुलेटर इस्तेमाल किया, प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट से, और हमारा यहाँ पे टोटल आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओके करते हैं, यहाँ पे टोटल आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये अब हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी एंटर करेंगे। जैसे एम्प्लॉय आईडी तो 1 से स्टार्ट हुआ था उसमें, तो ये 1 कर देते हैं, और यहाँ नेम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट में मैं क्या डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ सपोज कीजिए लैपटॉप, लैपटॉप कर दिया, और लैपटॉप की कीमत रही 50,000 50,000 कर दिया, और यहाँ पे 5 लैपटॉप सेल किए गए, तो कुल मिला के 2,50,000 का लैपटॉप सेल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 2 आएगा। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी 2 हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रैम सेल किया गया, रैम। ठीक है, ये राम नहीं है, रैम है, प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है, और इसकी कीमत रही 1,650 रुपए। ठीक है,
तो ये 1650 रुपए का रैम और 6 रैम ऐसा ऐसा सेल किया गया है। फिर यहाँ पे थर्ड आते हैं एम्प्लॉय आईडी थर्ड पे, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे हार्ड डिस्क करते हैं, HDD यानी हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं। तो एक हार्ड डिस्क 3000 का पड़ा, तो यहाँ पे 3000 डाल दिया, 6 ऐसे ऐसे कितने के आएंगे वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे चौथा, तो चौथा जो है यहाँ पे SSD होगा। SSD क्या है, तो SSD जो है आपका 1500 का एक पड़ा, और ऐसे ऐसे 7 SSD सेल कर दिया गया। तो ये इस तरीके से हो गया है, देख सकते हैं तमाम चीजें अपने आप आती चली जा रही है, यानी कैलकुलेट होता चला जा रहा है। अब इसमें करना क्या, रिलेशनशिप की बात करनी है। तो रिलेशनशिप के लिए हम पहले इसको क्लोज करेंगे, दोनों को सेव करके क्लोज कर देते हैं। और क्लोज करने के बाद डेटाबेस टूल्स पे जाएंगे, और यहाँ पर रिलेशनशिप मिलेगा, इन दोनों टेबल्स को यहाँ लेके आएंगे और दोनों में रिलेशनशिप क्रिएट कराएंगे। कैसे क्रिएट कराना है जरा समझिएगा, ये जो एम्प्लॉई आईडी है ना यहाँ पे ले जाकर रख दीजिए, यानी एम्प्लॉई आईडी के ठीक सामने, और तीनों को इस तरीके से करिएगा। नीचे वन टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है, देख सकते हैं। तो इसे वन टू मेनी रिलेशनशिप कहते हैं। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि जब भी आप एम्प्लॉई की टेबल में जाएंगे तो यहाँ प्लस का साइन मिलेगा, और यहाँ प्लस के साइन पर क्लिक करते ही आपको इस एम्प्लॉई द्वारा सेल किए गए प्रोडक्ट की पूरी डिटेल, पूरी जानकारी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपका रिलेशनशिप हुआ, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्म बना सकते हैं।